जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी टोक्यो पहुंच चुके हैं। यहां पीएम मोदी ने जापान के पीएम मुफियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने शिंजो आबे के निधन पर दुख जताया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जापान की दोस्ती ने एक वैश्विक प्रभाव पैदा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भी भारत जापान संबंध और अधिक गहरे होंगे। हम विश्व में समस्याओं के समाधान में एक उचित भूमिका निभाने के लिए समर्थ बनेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि इस दुख की घड़ी में आज हम मिल रहे हैं। पिछली बार जब मैं आया तब शिंजो आबे से काफी लंबी बात हुई थी और कभी सोचा ही नहीं था कि जाने के बाद ऐसी खबर सुनने की नौबत आएगी। द्विपक्षीय बैठक के दौरान पीएम मोदी और मुफियो किशिदा के बीच दोनों देशों में संबंधों को गहरा करने के बीच में विचार हुआ। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी और जापान के प्रधानमंत्री ने भारत जापान विशेष राजनीति और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने और इस क्षेत्र में और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समूहों और संस्थानों में एक साथ काम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को भी जताया। पीएम मोदी जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार समारोह में शामिल हुए। शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में करीब 20 से ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्षों सहित 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत ने आबे के सम्मान में 9 जुलाई 2022 को एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी। बता दें कि शिंजो आबे को भारत और जापान के संबंधों को मजबूत करने वाले जापानी प्रधानमंत्री के तौर पर याद किया जाता है। वहीं जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भरी सभा में गोली मार दी गई थी, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया था। चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी हिरोकाजू मात्सुनो ने बताया है कि शिंजो आबे पर स्थानीय समय के अनुसार सुबह 11:30 बजे हमला हुआ था। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।